हाय, हमारे पुराणों में कितनी स्ट्रेंज स्टोरीज है ना। जैसे एक वामन ने अपने 3 पगों में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। पर ये इतनी स्ट्रेंज स्टोरीज क्यों है? चलिए, इसका आंसर देने से पहले एक कहानी सुनते हैं। ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की बात है। सभी देवता ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मदेव के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब देवता कितने कमजोर पतले, ऐसा लग रहा था कुछ दिनों से कुछ खाया ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने जब उनसे उसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि आपने स्वर्ग लोक में कुछ उगाने की व्यवस्था की ही नहीं, फल फूल सब्जियां तो सब भूलोक में उगती हैं। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें उनका धर्म याद दिलाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा धर्म है मनुष्यों को आशीर्वाद देना, उनकी इच्छाएं पूरी करना, और मनुष्य तुमसे आशीर्वाद पाने के लिए यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और उसमें वो जो भी आहुति देते हैं वो ही आप लोगों का खाना है। इसे एनर्जीज का बाटर सिस्टम समझ लीजिए। तभी अग्निदेव बोले कि भूलोक में मनुष्य हवन कर तो रहे हैं पर वो जो भी आहुति मुझ में देते हैं वो मेरी तेज की वजह से वहीं जल जाता है और मैं कुछ भी स्वर्ग लोक तक नहीं लेके आ पाता। अब ब्रह्मा जी को भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिला तो उन्होंने माँ प्रकृति का आह्वान किया और माँ प्रकृति ने अपने तेज से उत्पन्न किया एक युवती को और कहा कि अब इस युवती की जिम्मेदारी होगी कि जो भी अग्निदेव में आए उसे स्वर्ग लोक तक पहुंचाने की। उन देवी का अग्निदेव से विवाह भी कराया गया और उनका नाम था स्वाहा। जी हाँ, याद है ना, तो पिछली बार आप हवन कर रहे थे तो पंडित जी ने आपको कहा था कि आहुति डालने के बाद स्वाहा जरूर बोलना है। देखिए, अब ये सच में रियलिटी है कि नहीं ये तो विश्वास की बात है, पर एक बात तो फैक्ट है कि हमें कोई भी चीज जो कहानियों में बताई जाती है वो सिंपल और हमें लंबे समय तक याद रहती है, और यही पुराणों को बनाने का पर्पस है, वेदों के गूढ़ ज्ञान को सिंप्लीफाइड तरीके से समझना। तो आई एम श्योर अगली बार आप हवन में स्वाहा कहना नहीं भूलेंगे। और अगर आपको पुराणों की कहानियां पसंद है तो इस वीडियो में बने रहिए। आपने देवताओं और असुरों के बीच की लड़ाई की तो कई कहानियां सुनी होगी, पर क्या कोई ऐसी कहानी सुनी है जिसमें एक देव के साथ खड़े थे सभी असुर और वो लड़े थे खुद महादेव के अगेंस्ट? जी हाँ, ये तब की बात है जब चंद्रदेव या सोमदेव को प्यार हो गया था अपनी ही गुरु की पत्नी तारा से और वो उनका अपहरण तक करके ले गए। तब गुरु बृहस्पति ने चंद्रमा को खूब समझाया पर उन्होंने एक ना सुनी। सब देव बीच में पड़े, खुद इंद्रदेव ने सोमदेव को समझाया फिर भी उन्होंने उनकी बात ना मानी। कहते हैं ना कि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, यहां तो देव भी अंधे हो गया था। और फिर खुद महादेव आए और उनके साथ आए सभी देवता, और ये बात जब असुरों को पता लगी तो वो सोमदेव के साथ खड़े हो गए और तब एक लड़ाई की शुरुआत हुई जिसे हम कहते हैं तारा कामे युद्ध। जी हाँ, इस युद्ध में महादेव और सोम खुद आमने सामने थे। सोमदेव ने महादेव पर अस्त्र चला दिया पर बीच में आ गए ब्रह्मदेव और उन्होंने सोमदेव को समझाया कि तुम क्या कर रहे हो, इस लड़ाई का एक ही अंजाम है, इस पूरे ब्रह्मांड का नाश। तब जाके सोमदेव को ये बात समझ आई, उन्होंने महादेव से माफी मांगी और तारा को वापस कर दिया। अब तारा रणभूमि के बीच में आई और जब रणभूमि के बीच में आई तो सबका ध्यान गया उनकी पेट की तरफ। जी हाँ, वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, पर सवाल था कि इनका फादर कौन? पर तारा ने खुद बताया कि इसके फादर है सोमदेव। तब बृहस्पति से पूछा गया क्या वो माँ तारा और उसके बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हैं। बृहस्पति ने माँ तारा को तो अपनाने के लिए हाँ कर दी पर उसके बच्चे को अपनाने के लिए हाँ नहीं करी। तब इंद्र ने उन्हें समझाया कि यही यूनिवर्स का लॉ है कि आपको दोनों को अपनाना पड़ेगा। तो बृहस्पति ने हाँ तो कर ली पर उन्होंने साथ साथ उस बच्चे को एक अभिशाप दे दिया। उन्होंने कहा कि ये बच्चा ना मेल होगा ना फीमेल पर वो एक नपुंसक होगा और ऐसे पैदा हुए बुध। जी हाँ, प्लैनेट मरकरी। जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन्हें भी पता होगा कि प्लैनेट मर्करी को एक नपुंसक प्लैनेट कहते हैं। महामृत्युंजय जाप तो आपने जरूर सुना होगा, पर क्या इस मंत्र के पीछे की कहानी आपको मालूम है? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। ऋषि मृकंडु और उनकी मरुद्वती बहुत बड़े शिव भक्त थे और पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने शिव की आराधना करी। शिव प्रसन्न भी हुए और जैसे ही वो प्रकट हुए तो उन्होंने कपिल के सामने एक कंडीशन रख दी कि या तो तुम्हें एक पुत्र मिलेगा जो दीर्घायु होगा पर मूर्ख होगा, पर तुम एक पुत्र पा सकते हो जो अल्प आयु है पर बहुत ही ज्ञानी होगा। पहले तो कपिल एक बहुत बड़े दालमा में थे पर उन्होंने फाइनली एक समझदार एक ज्ञानी पुत्र का चुनाव किया।
कुछ दिनों बाद महादेव का वरदान पूरा भी हुआ और उस कपल को एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया ऋषि मार्कंडेय। जी हाँ, आपने इनका नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। चलिए आगे कहानी सुनते हैं। ये बचपन से बहुत ज्ञानी थे, बहुत समझदार थे, वेदों का इन्हें ज्ञान था। और एक बहुत ही स्पेशल डे होता था इनका बर्थडे, जिस दिन इनके माता पिता एक बहुत बड़ा हवन करते थे। पर उनके 16 बर्थडे पे कुछ अलग हो रहा था। हवन नहीं था पर एक चिता बिछी हुई थी और ये देख के ऋषि मार्कंडेय बहुत कंफ्यूज हो गए। तब उनके माता पिता ने उनको 16 साल पुरानी कहानी सुनाई। ऋषि मार्कंडेय का शिवजी पे अटूट विश्वास था। वो अपनी चिता पे खुद जाकर बैठ गए और महादेव का आवाहन करने लगे। पर यमराज का समय तो आ चुका था, तो यम का दूत वहां पहुंचा और उनके शरीर से प्राणों को खींचने लगा। पर मानिए सृष्टि का कोई लॉ टूटने वाला था, इसीलिए ऋषि मार्कंडेय के प्राण उनका शरीर छोड़ ही नहीं रहे थे। ये देख के यमराज खुद वहां पहुंच गए और अब यम के सामने कौन टिक सकता है। वो उनके प्राण खींचने लगे। तभी ऋषि मार्कंडेय ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने यमराज को अपने सामने पाया और उन्होंने महादेव को प्रार्थना करी कि मैं आपको सरेंडर करता हूं, आपको जो सही लगे कर दे। तभी खुद महादेव वहां पहुंच गए और उन्होंने यमराज को ऋषि मार्कंडेय के प्राण छोड़ने के लिए कहा। पर यमराज ने कहा, ये मेरा धर्म है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो महादेव खूब गुस्सा हो गए। तो यहां महादेव ने वो कर दिया जो कोई भी नहीं कर सकता, ही किल्ड द डेथ। जी हाँ, उन्होंने यमराज को ही मार दिया। और ये देख के देवता खूब भयभीत हो गए। उन्होंने महादेव से प्रार्थना करी कि महादेव, अगर ऐसा होगा तो इस पूरी सृष्टि का जो बैलेंस है वो हिल जाएगा। महादेव ने उनकी बात मानी पर एक कंडीशन रखी, मैं यमराज को वापस तो ले आऊंगा पर ऋषि मार्कंडेय के प्राण वो नहीं लेके जा सकते। सबने इस पे एग्री करा और ऐसे ऋषि मार्कंडेय बन गए चिरंजीवी। जी हाँ, आपने 7 चिरंजीवियों इनका नाम जरूर सुना होगा। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आप मृत्यु का भय अपने मन से हटाना चाहते हैं तो महामृत्युंजय जाप जरूर करिए। चलिए मिलके कहते हैं, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्यु मोक्षी यमामृता। वीडियो में यहां तक बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की बुक के बारे में बात कर लेते हैं, जो है महागाथा, जो लिखी है सत्यार्थ नायक ने। जी हाँ, ये तीनों कहानियां मैंने आपको इसी किताब से सुनाई, पर इसमें है 100 कहानियां जो हमारे पुरानों में से। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर इन कहानियों को पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि आप ये कहानियां मुझसे सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं जरूर इस पर एक और वीडियो बना लूंगा। और इस चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक बने रहने के लिए। मुझे पता है मैं कंटेंट थोड़ा कम डालता हूँ, उसके लिए माफी, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस साल थोड़ा ज्यादा कंटेंट डालूं, थोड़ी अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाऊं। थैंक यू सो मच फॉर लविंग दिस चैनल। प्लीज लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब इट, सेंड एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।